हेलो गाइस, मैं आज आप लोग को पोर्क का रेसिपी बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर रहेगा कैप्सिकम, प्याज, टमाटो, हल्दी, रसुन एक्सेट्रा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काट के रख दिया पहले से, और इसके बाद पोर्क को थोड़ा मसाला के साथ मिक्स किया, थोड़ा अच्छा से उसको मिक्स करवाना है, क्योंकि मसाला पूरा पोर्क में मिक्स अच्छा से हो जाने से उसको फ्राई करने से अच्छे से और टेस्ट मिल सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा तेल दिया पोर्क को फ्राई, थोड़ा सा 10-15 मिनट जैसा फ्राई करके उसको निकालने के लिए। तेल ज़्यादा गर्मी हुआ है तो मैंने थोड़ा गैस को कम किया, और इसके बाद पोर्क को मैं फ्राई के लिए यहाँ पर डाल दिया। उसको 10 या 20 मिनट तक उसको फ्राई करवाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाफ बॉयल तो करवाना चाहिए। उसके बाद में नमक थोड़ा सा दिया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा सा ही उसको नमक के साथ मिक्स किया। आप लोग देख सकते हैं वो फ्राई होने के बाद मैं उसको एक बॉल में रख दिया। आप मैं फिर से यहाँ पर पैन में तेल डालूँगा, डाल के मैं थोड़ा सा तेल को गर्म होने तक यहाँ पर रख दूँगा मैं। और इसके बाद मैं अभी प्याज, लहसुन, टमाटो, कैप्सिकम ये सब डालेंगे, अदरक भी है, ये सब यहाँ पर डाल के मैं फ्राई करूँगा। पहले मैं प्याज दिया, प्याज को थोड़ा 5 मिनट तक फ्राई करने के लिए थोड़ा रख देता हूँ। और इसके बाद में लिया चिल्ली, इसके बाद लहसुन, अदरक, कैप्सिकम, इसके बाद में डालूंगा टमेटो, एक साथ ही मैंने उसको दिया है क्योंकि फ्राई सभी एक साथ हो जाने से अच्छा है। कुछ भी मसाला देने का ज़रूरत नहीं है, जो पोर्क में जो दिया है मसाला उसके साथ ही ये सब पैन में सब कुछ मिक्स हुआ है, तो मसाला उसके साथ में यहाँ पर मिक्स हो सकते हैं। तो मैं कुछ मसाला नहीं दिया, कुछ हल्दी, जीरा या फिर धनिया कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं डाला। तो उसको थोड़ा सा फ्राई होने तक हम लोग वेट करेंगे। फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नमक
डाल देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नमक लग सकता है क्योंकि टमेटो है, कैप्सिकम है, तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही मैंने दिया है यहाँ पर। और उसको फ्राई होने के लिए थोड़ा 10-20 मिनट तक रख देता। ये मैंने हिसाब किया है 20 मिनट से ज़्यादा लिया है आज, 20 मिनट से ज़्यादा ले सकता है। और उसके बाद मैं जो पोर्क फ्राई किया था उसको वहाँ पर मिक्स करवाने के लिए डाला हो, डाल दिया उसको। पोर्क ज़्यादा नहीं है आज क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम रेसिपी बनाया हो बिना मसाला के, वो भी कैप्सिकम के साथ। देखते हैं कितना टेस्ट मिलते है। वैसे भी सैंड बहुत अच्छा सैंड मिल रहा है मुझे, शायद बहुत टेस्ट होगा शायद। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा ज़रूरत नहीं है, पोर्क आप खरीद सकते हैं 150 का। तो इसके बाद आप लोग क्या ऐसा रेसिपी बना सकते हैं, खा सकते हैं। और ये है रेसिपी रेडी, और मैंने टेस्ट भी करके देखा हूँ, बहुत टेस्ट।